जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स के कक्षा पे। आज की कक्षा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष विशेष चेतावनी सुन लीजिए, अगर कोई भी लल्ले और लल्लियों इस उद्देश्य पे कक्षा देख रहे हो कि आपका यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का मेंस का डिटेल्स एनालिसिस मिल जाएगा, तो लल्ले और लल्लियो आप मत देखिए, आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ये कक्षा सिर्फ एक ओवरव्यू एनालिसिस है, यहाँ पे इनडेप्थ एनालिसिस नहीं होगा जो कि मेंस के लिए उपयोगी होगा। ये कक्षा प्रीलिम्स और सभी आदर्श एमसीक्यू टाइप परीक्षा के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। द सोर्सेस ऑफ द क्लास आर द हिंदू न्यूज़पेपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, संसद टीवी, पहले जो राज्यसभा टीवी था, एआईआर, योजना मैगजीन, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स एटसेट्रा। इस कक्षा का पीडीएफ नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का मोटिवेशनल लाइन, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरे जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाने की। ये वाला जो मोटिवेशनल लाइन, ये हमने नहीं बोला है, ये बोला है ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 1936 में ओलंपिक मैच के दौरान जब बर्लिन में मुकाबला चल रहा था भारत और जर्मनी का, तब भारत ने 16-1 गोल से जीत लिया था वो वाला मैच। और तभी हिटलर ने ध्यानचंद का जो हॉकी स्टिक है वो तुड़बा के मतलब चेक किया, उसमें मैग्नेट उगनेट लगाया हुआ है क्या, लेकिन मैग्नेट तो नहीं मिला। उसके बाद उस दिन रात को ध्यानचंद जी को हिटलर ने अपना रूम पे बुलाया, और बुलाने के बाद ऐसा बोला कि क्या करते हो आप हॉकी खेलने के साथ साथ, तो भारतीय ध्यानचंद ने बोला आर्मी में सूबेदार है। तो तभी इनको मतलब हिटलर ने ऑफर किया कि इंडिया क्या दे रहा है आपको, इंडिया में रह के क्या मिल रहा है आपको, आप जर्मनी के होके हॉकी खेलिए, आपको हम फील्ड मार्शल बना के दे देंगे, वो आर्मी का बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तभी इस बात के रिप्लाई में ध्यानचंद जी ने बोला था ये वाला कोटेड लाइन, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरे जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाने की। तो बोले थे, और बोले थे मैं इंडिया की तरफ से ही खेलूंगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आज तो ना ही 15 अगस्त है या ना ही 26 जनवरी है, फिर भी ये सब, अरे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, वो एक नाम है जो इस नाम में ही जितना मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को और किसी जगह नहीं मिलेगा। आप लोगों ने देख लिया है, रशिया यूक्रेन वार हो या फिलिस्तीन और इसराइल का मामला हो, भारत का स्टैंड इतना अच्छा रहता है, इतना न्यूट्रल डिसीजन लेता है सभी अफेयर्स में। अगर इंडिया का मतलब पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, तो भारत का मतलब भारत अभी भी विश्वगुरु ही है, सभी इंडिया को फॉलो ही करते हैं। तो सो ऑलवेज बी लाइक ए इंडियन। और कुछ भारतीय होने का कुछ क्वालिटी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, डोंट बी सेल्फिश क्योंकि हम भारतीय है, डोंट वेस्ट फूड्स क्योंकि हम भारतीय है, डोंट चीट एनी इनोसेंट क्योंकि हम भारतीय है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ क्योंकि हम भारतीय है, ऑलवेज बी ऑनेस्ट क्योंकि हम भारतीय है। तो मोटिवेशन बहुत मिल गया है आप लोगों को भारत का नाम से। अभी अपना
कक्षा नंबर 15 का शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण विषय आज की इस 15 नंबर कक्षा के दौरान हम लोग देखेंगे। इस हफ्ते का सभी महत्वपूर्ण विषय 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक जो भी महत्वपूर्ण विषय घटा है इन दिनों पूरा देश और दुनिया में, उनको एक एक करके देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या विषय है। तो पहला विषय पिनाका MK1 एंड पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम टेस्टेड सक्सेसफुली। DRDO ने ये वाला टेस्ट किया है। विनोद राय ऑथर्ड ए बुक टाइटल नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। विनोद राय एक्चुअली एक अकाउंटेंट है BCCI के, उन्होंने एक किताब लिखा है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। इंडिया ऊन इट्स मेडन वोमेन डबल एंड मिक्स्ड डबल टाइटल्स इन द वर्ल्ड डबल स्क्वाश चैंपियनशिप। शिबलिंग्स डे, वर्ल्ड हेमोपैथी डे, ये दोनों डे 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। शिबलिंग डे वो वाला होता है जो हमारा हिंदुस्तान में एक्चुअली रक्षाबंधन जैसा होता है, ऐसा ही है भाई बहन का रिश्ता। IIT गुवाहाटी जो आसाम में स्थित है, डेवलप टेक्नोलॉजी टू स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। SpaceX launched the first private mission to the space station. SpaceX जो Elon Musk का कंपनी है, so SpaceX ने अपना first private mission launch किया है SpaceX space station का। Union Minister Bhupendra Yadav chaired the 20th meeting of National Tiger Conservation Authority. Tourism facilities for Sima Darshan at Nadabet have been inaugurated by the Home Minister of India, Amit Shah. Reserve Bank of India decided to allow all banks to introduce cardless cash withdrawal facilities from ATM. यह बहुत ही अच्छा facility है। अभी मतलब UPI से भी आप लोग ATM से cash निकाल सकते हैं। इसमें मतलब आपको ATM नहीं चाहिए। ATM मशीन में जाके आप उस स्क्रीन में अपना QR स्कैन करेंगे मोबाइल से, तभी आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। और एक्चुअली ये वाला UPI जैसा ही सिस्टम है। तो और आप अपना मतलब लिंक स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा और आप अपना विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो अगला विषय है 4th इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स 2+2 डायलॉग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन वाशिंगटन। हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 का मीटिंग अरेंज किया गया है। 2+2 वो मीटिंग होता है जिसमें मतलब दो मिनिस्टर रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। भारत के तरफ से राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की उपस्थित में ये वाला डायलॉग ऑर्गेनाइज हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू कॉन्फर्ड संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018। AAI launched ABSAR, ABSR, ABSAR scheme to promote local products of SHG self-help group. UIDAI and ISRO signed memorandum of understanding for technical collaboration. तो हमारा अगला विषय के ओर बढ़ते हैं। तो क्या क्या है अगला विषय? National Safe Motherhood Day 11th April को सेलिब्रेट किया गया है। साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है हाइब्रिड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस फॉर कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर करने के लिए साइंटिस्ट ने हाइब्रिड मटेरियल डिजाइन किया है जिसे HM बोलते हैं। 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन पॉलिसी बिगिंस इन न्यू दिल्ली।
इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 12 अप्रैल। 3 इंडियन बॉक्सर्स ऊन गोल्ड, जो थाईलैंड ओपन हुआ था बॉक्सिंग का, इसमें भारत का 3 बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीत लिया था। इक्वेडर, वो इक्वेटर नहीं है, विषुव रेखा नहीं है, वो इक्वेडर एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। इक्वेडर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। तो इक्वेडर पहला देश बन गया है जो एनिमल का लीगल राइट्स प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट एवर लता देवानंद मंगेशकर अवार्ड विल बी गिवन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, वो भी हमारा करंट प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ हैज टेकन ओथ ऑन 23rd पीएम ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों ने सुना है पाकिस्तान का तख्ता पलट हो गया है, पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अभी शहबाज शरीफ ने अपना ओथ ले लिया है, शपथ ग्रहण कर लिया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इंडियन कोस्टल डॉक्टर मनोज सोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत ही लाजवाब चेंज, और आप लोग नोट करके रख लीजिए, यूपीएससी का अभी का चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी। इंडियन कोस्टल गार्ड कमीशन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाडन। भारतीय कोस्टल गार्ड ने अपना लाइट हेलीकॉप्टर MK3 अपना स्क्वाडन में शामिल कर लिया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इनोग्रेट किया है माधवपुर ग्रेट फेयर इन गुजरात। नीति आयोग रिलीज द स्टेट इमरजेंसी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI राउंड 1। नेशन पेड ट्रिब्यूट टू सोशल रिफॉर्मर महात्मा फुले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है सियाचिन डे, 13 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया है। सियाचिन भारत का वो अंग है जिस जहाँ पे माइनस पे बहुत माइनस 50 डिग्री के करीब तापमान रहता है, और पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है भारतीय सेना के द्वारा। और वहाँ पे मतलब एक बार वार भी हुआ था पाकिस्तान के साथ, और सियाचिन पूरा कश्मीर में स्थित है, नुब्रा वैली के नॉर्थ में। SGVN has signed memorandum of understanding with Bell and REMC limited to develop renewable energy projects for Indian Railways. Union Minister of Culture has organized 2-day conference in New Delhi. Sabhanidhi se Samriddhi initiative launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs. जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर विल होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वोमेन आर्चरी टूर्नामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड ए 2 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनेंसिंग लोन। नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर्स विल बी होस्टेड बाई इंडिया इन 2023 में। और एक खेल होगा भारत में, स्ट्रीट क्रिकेट, जो सेव इंडिया चिल्ड्रन जो NGO है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च 2022 द नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग इन इंडिया। कदम The first polycentric prosthetic knee launched, जो एक प्रकार का नी है, नी मतलब जो आपका पैर में घुटना होता है,
उसे नी कहते हैं। तो जो मतलब ये एक आर्टिफिशियल नी है, उसको यूज किया जाएगा मेडिकल साइंस पे, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके द्वारा। एक्टर शिव कुमार सुब्रमण्यम पास्ट हुए। इंडिजिनियसली बिल्ड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट टूक ऑफ फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम असम टू अरुणाचल प्रदेश। डॉर्नियर 228 एक एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, और इसका उड़ान पहला कमर्शियल उड़ान भर चुका है। ये डिब्रूगढ़ से, असम का डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट तक, और ये वाला इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा अंडर उड़ान स्कीम। ये एक्चुअली 17 सीटर एयरक्राफ्ट है। इंडिया एंड यूएस साइंड बिलैटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट्स। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान टिल 31 मार्च। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमिटी। जय शाह जो कि हमारा अमित शाह जी होम मिनिस्टर उनका लड़का है, और बीसीसीआई का सेक्रेटरी थे है, और अभी मतलब आईसीसी का जो मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है उसमें मेंबर एज ए मेंबर अपॉइंट किया गया है उनको। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी 2021 कॉन्फर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। भारत और जापान ने मेमोरेंडम्स सिग्नेचर किया है डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। दिल्ली का आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। कोल बियरिंग एरियास एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 अप्रूव्ड बाय यूनियन, इसका मतलब अमेंडमेंट हुआ है। ऑथर प्रेम रावत हैज लॉन्च्ड हिज बुक हियर योरसेल्फ। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 8% इन फिस्कल अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इम्पोर्ट्स टिल 30 सितंबर। जो कस्टम ड्यूटी था कॉटन इम्पोर्ट्स में उसको रिलैक्सेशन दिया है 13 सितंबर तक। इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानाधा विंस रेजकबिक ओपन्स चेस ओपन जो हुआ था। मुंबई रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ऑस्ट्रेलियन स्टेट विक्टोरिया विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड अफसर पोर्टल टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला विषय है वर्ल्ड आर्ट डे एंड हिमाचल डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू 17 मंथ हाई 6.95%। ये इकोनॉमी के बहुत ही अच्छा मतलब इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक कह सकते हैं आप इसको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस्ड मतलब रिटेल का ऊपर बेस करके सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6.95% इन मार्च 2022। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर ओपनर है, हैज बिकम द सेकेंड इंडियन टू स्कोर 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। तो इससे पहले विराट कोहली ने भी 10,000 रन बना चुके हैं T20 क्रिकेट करियर में। हरियाणा गवर्नमेंट विल सेट अप ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ड्रोन पायलट्स।
इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023. इकबाल सिंह लालपुरा हैज बीन अपॉइंटेड एज NCM चेयरपर्सन. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC स्टडी फाउंड माइक्रोप्लास्टिक इन कावेरी रिवर. नेदरलैंड्स विन 2022 FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल, जिसमें नेदरलैंड का गोल्ड रहा और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल का मैच इंग्लैंड के साथ हार गया. फाल्गुनी नायर, जो मतलब पूरा के पूरा हॉट टॉपिक, द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनरी. ये फाल्गुनी नायर खुद एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का, वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है. फाल्गुनी नायर सिलेक्टेड एज EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021. फाल्गुनी नायर आप लोग नहीं पहचान सकते शायद, जो नायका, जो फीमेल का वो लिपस्टिक, उसके बाद जो मेकअप का किट बनाते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट है लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट, तो ही नायका का फाउंडर है फाल्गुनी नायर. इंडोनेशिया रिमूव्स द बैन ऑन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. ये वाला जो टॉपिक है, विषय है, ये पूरा के पूरा रशिया और यूक्रेन वार से जुड़ा हुआ है. रशिया और यूक्रेन में वार चलने के कारण ही ये वाला बैन इंडिया से हटा है. तो पहले भारत का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बैन था इंडोनेशिया पे, तो अभी फिलहाल इस युद्ध के कारण, मतलब पहले इंडोनेशिया अपना जो व्हीट और अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो उनको देश में चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से ही इम्पोर्ट करता था, तो अभी तो युद्धकालीन स्थिति में इम्पोर्ट नहीं हो रहा था, तो भारत का ऊपर से बैन था, तो रशिया इंडोनेशिया ने अपना एक बैन हटा दिया एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स. अभी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स होगा भारत से इंडोनेशिया पे. इजिप्ट एक्रेडिटेड इंडिया एज व्हीट सप्लायर. इजिप्ट ने भारत को अपना व्हीट सप्लायर एज एक्रेडिशन दे दिया है. पहले इजिप्ट भी यूक्रेन और रशिया से ही व्हीट का जरूरत मिटाता था. अम्बेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड एज इक्विटी डे इन तमिलनाडु. 165-foot-tall इंडियन नेशनल फ्लैग विल बी इंस्टॉल्ड एट INA हेडक्वार्टर एट मोइरांग. मोइरांग वो वाला प्लेस है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा, जो मणिपुर में है, वहाँ पे भारत का झंडा पहले बार लहराया था. गवर्नमेंट कलेक्टेड रुपीज 96,000 करोड़ थ्रो एसेट मोनिटाइजेशन. वो गवर्नमेंट बहुत सारा एसेट मोनिटाइज कर रहा है, तो उससे उसके द्वारा 96,000 करोड़ कलेक्ट हुआ है भारत सरकार को. तो अच्छा सुनिए, अभी ऊपर में स्लाइड में, सभी स्लाइड में आप लोग 13 देख रहे हैं. ये 13 नहीं है, ये 15 सेशन है वीकली करंट अफेयर्स का 15 नंबर सेशन. तो मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियो, अभी हम थोड़ा थोड़ा एनालाइज करेंगे एक एक टॉपिक को लेके. तो शुभारंभ करते हैं अपना एनालिसिस पार्ट, तो जुड़े रहिए इंडिया ई बुक के साथ. तो पहला विषय, DRDO एंड इंडियन आर्मी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड पिनाका MK1 एनहेंस्ड एंड रॉकेट सिस्टम एंड पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम्स. जो पुणे का लेबोरेटरी में DRDO के द्वारा ये वाला सिस्टम बनाया गया है, और ये वाला जो रॉकेट है पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये 12 रॉकेट फायर कर सकता है इन 44 सेकंड्स. ये देखिए. तो अगला विषय है, विनोद राय ऑथर्ड ए बुक टाइटल नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद BCCI. विनोद राय ने एक नया बुक किताब लिखा है जो कि पब्लिश हुआ है रूपा पब्लिकेशन के द्वारा,
और इस किताब का नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ BCCI। यह वाला बुक जो है, दिस बुक इज अबाउट 10 years ऑफ विनोद राय एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्स ऑफ BCCI फॉर 33 months। ही हैज ऑल्सो रिटन अबाउट विराट कोहली एंड अनिल कुंबलेस रिफ्ट इन हिज बुक। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है इंडिया उन मेडन वोमेन्स डबल एंड मिक्स डबल्स टाइटल इन वर्ल्ड डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप। दीपिका पिल्लिकाल टीमिंग अप विथ सौरभ घोषाल एंड ज्योत्सना चिनप्पा हैज उन मिक्स डबल्स एंड वोमेन डबल्स टाइटल इन वर्ल्ड डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप इन ग्लास्को। ग्लास्को कहाँ पे है? इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्लास्को। दीपिका पिल्लिकाल एंड सौरभ घोषाल उन मिक्स डबल्स टाइटल 11-6, 11-8 बाय डिफीटिंग इंग्लिश पेयर, यूके का पेयर था एड्रियन वालर एंड अलिसन वाटर्स। पिल्लिकाल एंड ज्योत्सना चिनप्पा उन द वुमेन्स डबल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग सारा जाने पेरी एंड अलिसन वाटर्स ऑफ इंग्लैंड। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है सिबलिंग डे, जो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। इसमें मतलब दिस डे इज मार्क स्पेशल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो आप कह सकते हैं भारत का जो रक्षाबंधन होता है ऐसा ही है ये वाला सिबलिंग डे। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेमोपैथी डे, डॉक्टर हैनीमैन जो कि फाउंडर है हेमोपैथी का, तो वर्ल्ड हेमोपैथी डे सेलिब्रेट किया गया है 10 अप्रैल को। एवरी ईयर 10 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेमोपैथी डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ हेमोपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। इट इज ऑब्जर्व टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ हेमोपैथी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड हेमोपैथी अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड एनुअली फ्रॉम 10th अप्रैल टू 16th अप्रैल। ऑन द ओकेशन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत का हैज ऑर्गेनाइज्ड ए 2-day साइंटिफिक कन्वेंशन अंडर द थीम हेमोपैथी पीपुल चॉइस फॉर वेलनेस। सैमुअल हैनीमैन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ हेम्योपैथी। अगला विषय है IIT गुवाहाटी डेवलप्स टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज EBS फॉर इंडिया। IIT गुवाहाटी जो आसाम में स्थित है। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। SpaceX ने फास्ट प्राइवेट मिशन लॉन्च कर दिया है स्पेस स्टेशन का। SpaceX Falcon 9 रॉकेट विथ द क्रू ड्रैगन कैप्सूल कैरिंग 4 पीपल टुक ऑफ फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ेगा ये यान। माइकल लोपेज अल्जेरिया ए रिटायर्ड नासा एस्ट्रोनॉट इज लीडिंग द क्रू। द मिशन इज कोलाबोरेशन बिटवीन Axiom SpaceX and NASA. This mission will help in the expansion of commercial space ventures known as low earth orbit economy. SpaceX, American aerospace manufacturer and space transportation services founded by Elon Musk in 2002. Elon Musk jo world ka first richest person hai, अपना टेस्ला मोटर से धमाका मचा रहे हैं पूरे ही वर्ल्ड पे। इट इज ऑल्सो नोन एज रीयूजेबल रॉकेट्स एंड एस्ट्रोनॉट कैप्सूल्स। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया पे। इसका SpaceX का CEO सभी को पता है इलॉन मस्क। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA
यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव चेयर्ड द 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. द मीटिंग वॉज हेल्ड इन पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है. इसका बॉर्डर चाइना के साथ आता है और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर पे. इतना भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक्चुअली चाइना के गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मतलब गांव में चाइना अपना गांव बना रहा है. वही इतना मेजर कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई वार नहीं है. यूनियन मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड दैट NTCA मीटिंग्स विल बी हेल्ड आउटसाइड ऑफ दिल्ली फ्रॉम नाउ ऑन. पहली बार ऐसा हुआ है जो कि ऐसा मीटिंग दिल्ली में ना होके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है. वो एक्चुअली चाइना को एक करारा जवाब है कि अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का ही पार्ट है. आप लोग जितना भी बोल लीजिए चाइना वालों, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही है. अगला विषय के ओर बढ़ते हैं. टूरिज्म फैसिलिटीज फॉर सीमा दर्शन एट नादाबेट हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह. सीमा दर्शन प्रोग्राम इन नादाबेट बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात कॉस्ट अराउंड 125 करोड़. ही ऑल्सो विजिटेड नदेश्वरी माता टेम्पल एट नादाबेट. ही सेड दैट BSF पर्सनल गार्ड द 6385 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर ऑफ इंडिया. BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं. ये वाला फाउंड किया गया था 1965 में का 1 दिसंबर. जीवन पर्यंत कर्तव्य इज द मोटो ऑफ BSF. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. इट्स वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. पंकज कुमार सिंह इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. अगला विषय के ओर बढ़ते हैं. बहुत ही बढ़िया कदम लिया है भारत सरकार ने अपना रिजर्व बैंक के द्वारा. अभी मतलब आप लोग बिना ATM में को लेके भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं ATM मशीन में जाके. आपका UPI होना चाहिए इसके लिए, और आप जाके जैसे QR स्कैन करते हैं किसी दूसरे को पेमेंट करने के लिए किसी शॉप में, ऐसा ही सेम सिस्टम ATM में भी होगा. ATM मशीन में आप लोग स्कैन करेंगे और अपना अकाउंट से पैसा विड्रॉ करेंगे. बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दिया है. अगर आपका कार्ड ATM कार्ड घर में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को. या आप लोग तो ATM कार्ड का तो सालाना मेंटेनेंस चार्ज देते, वो वाला भी ATM कार्ड मत रखिए आप लोग, UPI से काम चल जाएगा आप लोगों को. तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दिया है. तो कुछ UPI के बारे में कुछ देख लेते हैं. क्या है UPI? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. इट इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग मनी इन बैंक अकाउंट्स. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016. इट वॉज डेवलप्ड बाई द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI. तो कुछ बेस्ट UPI पेमेंट्स ऐप देख लेते हैं क्या क्या है. पेटीएम है, गूगल पे, भीम, SBI का योनो, जियो मनी, फोनपे, मोबीक्विक, बहुत सारा है. आप लोग जानते हैं, यूज़ भी करते हैं. गूगल पे भी है. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. 2+2 डायलॉग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन वाशिंगटन, जिसमें हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 4th इंडिया एंड US 2+2 डायलॉग. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अटॉर्नी ब्लिंकन एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लियोड ऑस्टिन विल अटेंड द डायलॉग फ्रॉम द US साइड. दिस 2+2 डायलॉग गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज व्यूज रिलेटेड टू important regional and global issues. Both sides will discuss agendas
relating to foreign policy, defense and security. This year's 2+2 ministerial dialogue will celebrate 75 years of diplomatic relations. Apart from the US, India also taken part 2+2 dialogue with Japan, Russia, Australia. अमेरिका के अलावा भारत का 2+2 डायलॉग हो चुका है जापान के साथ, रशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। 2+2 मतलब दोनों देश का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का अटेंडेंस में होता है ये वाला मीटिंग। इंडिया यूएस मिनिस्टरियल 2+2 डायलॉग, इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 2018 इन न्यू दिल्ली। It is the highest level of institutional mechanism between United States and India, in which the defense and foreign ministers from both countries meet. The second 2+2 ministerial dialogue was held in 2019 in Washington, D.C. Agla vishay ke aur badhte hain. Vice President M. Venkaiya Naidu conferred Sangeet Natak Academy Fellowship and Sangeet Natak Awards for the year 2018. Airport Authority of India launched Apsar scheme to promote local products of self-help group. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अफसार स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट है वो वाला मतलब उठाया जाएगा एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट का जो कैंपस है वहाँ पे। Unique Identification Authority of India, Ministry of Electronics and Information Technology and ISRO's National Remote Sensing Center signed Memorandum of Understanding for Technical Collaboration. As per the agreement, National Remote Sensing Center will develop Bhuvan Aadhaar Portal, which will provide the location information of Aadhaar card centers across the country. National Safe Motherhood Day. National Safe Motherhood Day जो कि 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है, इट इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रॉपर हेल्थ केयर एंड मैटरनिटी फैसिलिटीज फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स। द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द डे ऑफ कस्तूरबा गांधीज बर्थडे 11th अप्रैल एज नेशनल सेफ मदरहुड डे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द व्हाइट रिबन अलायंस इन 2003। इस साल का जो थीम है नेशनल सेफ मदरहुड डे का वो है रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट फ्रॉम कोरोना वायरस। India was the first country to declare 11th April as the National Safe Motherhood Day. As per the Register General of India, the maternal mortality ratio MMR of India has declined from 113 in 2016-18 to 103 in 2017-19. India is on verge of achieving the Sustainable Development Goal target of maternal mortality rate of 70 per lakh live births by 2030. तो हमारा अगला विषय है, scientists designed hybrid material and processes for carbon capture. तो अगला विषय है, ए टू डे कॉन्फ्रेंस ऑन कॉरपोरेशन पॉलिसी बिगिंस इन न्यू दिल्ली। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह
inaugurated the National Conference Cooperation Policy on 12th April, International Day of Human Space Flight is observed each year on 12th April. In the resolution April 2021, UN General Assembly declared 12th April as International Day of Human Space Flight. Soviet citizen Yuri Gagarin carried out the first human space flight on 12th April 1961. 12 अप्रैल 1961 में उरी गगारिन ने पहली ह्यूमन रहे थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे. स्पुटनिक वन इज द फर्स्ट मैन मेड अर्थ सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन टू द ऑर्बिट ऑन अक्टूबर 4, 1957 बाय रशिया जो कि बेकानूर अभी जो कजाकिस्तान है उस देश में स्थित है. बेकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र वहां से छोड़ा गया था स्पुटनिक वन. ऑन 20th जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकम द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून सरफेस. चंद्रमा में पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ऑन 10th अक्टूबर 1967 द मैग्ना कार्टा ऑफ स्पेस केम इन टू फोर्स. अगला विषय के ओर बढ़ते हैं. अगला विषय है भारत का तीन बॉक्सर ने थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि फुकेट में हुआ था वहाँ पे शानदार तीन गोल्ड मेडल जीत लिए थे. भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा. तीन गोल्ड मेडल जीते हैं गोविंद सहानी अनंत चोपडे एंड सुमित ने. सिल्वर मेडल जीते हैं मोनिका अमित पंगल बरिंदर सिंह आशीष कुमार. तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है मनीषा पूजा भाग्यवती कछारी. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. इक्वेटर जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स. राइट ऑफ नेचर रिकॉग्नाइज लीगल राइट्स ऑफ द इकोसिस्टम टू एग्जिस्ट एंड रीजनरेट. इक्वेडर आर्लियर बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज नेचर एज ए लीगल एंटिटी. बोलीबिया न्यूजीलैंड पानामा चिली मैक्सिको कोलम्बिया बांग्लादेश हैव ऑल्सो रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ नेचर. उली मंकीज आर फाउंड इन द नॉर्थर्न countries of South America. These countries are Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Venezuela and Peru. उली मंकीज का बात क्यों किया जा रहा है. एक्चुअली क्या हुआ था, हाईएस्ट कोर्ट जो है इक्वेडर का उसने रिकॉग्नाइज किया है द राइट्स ऑफ व्हाइल हियरिंग केस ऑफ एस्ट्रेलिटिया ए उली मंकी. उली मंकी के ऊपर केस था मतलब राय आया था वह इक्वेडर का हाईएस्ट कोर्ट का, इसलिए उली मंकी का चर्चा किया जा रहा है. उली मंकी मिलता है साउथ अमेरिका का कुछ देशों में जो नॉर्दर्न कंट्रीज है साउथ अफ्रीका अमेरिका का वहाँ पे. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. अगला विषय है पीएम मोदी ने पहली लता मंगेशकर अवार्ड जीता है. The award ceremony will organized on 24th April at Sanmukhand Hall of Mumbai. अभी अवार्ड दिया नहीं गया है, 24th April को दिया जाएगा. शहबाज शरीफ 23rd Prime Minister of Pakistan. तो पाकिस्तान का तत्वलट हो चुका है और शहबाज शरीफ ने अपना शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं. इमरान खान के जगह पे अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23rd प्राइम मिनिस्टर. इनका पॉलिटिकल करियर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग से बिलोंग करते हैं नवाज. ओपोजिशन कैंडिडेट है शाह मोहम्मद कुरैशी. फॉर्मर पीएम इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ. लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं नेशनल असेंबली.
अगला विषय यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को, इंडिया यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड रिसर्च ऑन पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल सिस्टमेटिक ट्रांजिशन एंड इंडो यूएस रिलेशन, ऑथर ऑफ द बुक अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो अगला विषय एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाडन कमीशन्ड इन भुवनेश्वर फॉर इंडियन कोस्टल गार्ड्स। अगला विषय के ओर बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इनॉग्रेटेड माधवपुर ग्रीड फेयर इन गुजरात। ये वाला माधवपुर का फेयर 5 दिनों तक होगा। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन एसोसिएशन ऑफ विथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज दिस फेयर एवरी ईयर। इट इज ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट द स्कैरिड यूनियन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड रुक्मिणी। द माधवपुर फेयर कनेक्ट्स गुजरात विथ द नॉर्थ ईस्ट रीजियन इन ए स्पेशल बॉन्ड। रान उत्सव इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल उत्तरायण, शामलाजी फेयर, भवनाथ महादेव मेला, मोदेरा डांस फेस्टिवल, भद्रापेट फेयर, बहुता फेयर आर सम इम्पोर्टेंट फेयर्स ऑफ गुजरात। गुजरात केरला पंजाब टॉप नीति आयोग स्टेट एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट। नीति आयोग ने जो क्लाइमेट और स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट जारी किया है, उसमें बड़ा राज्यों के अंदर गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है और छोटे राज्य के अंदर त्रिपुरा पहला स्थान, छोटा राज्य के अंदर सॉरी गोवा पहला स्थान, त्रिपुरा दूसरा एंड देन मणिपुर, और छोटा राज्य में और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ पहला स्थान, उसके बाद दिल्ली एंड देन दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। ये सब एक ही साथ है, दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। पहले दमन दीव दादरा नगर हवेली अलग था, दमन दीव एक साथ था, अभी दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली सभी एक ही साथ है। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं, नेशन पे ट्रिब्यूट टू सोशल रिफॉर्मर महात्मा फुले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर विजनरी थिंकर एंड एजुकेशनलिस्ट ज्योतिबा फुले's बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर 14th April। ज्योतिबा फुले हैड वर्क फॉर सोशल इक्विलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड बूस्टिंग एजुकेशन। ज्योतिराव फुले इज ऑल्सो फेमस एज महात्मा फुले। ही वॉज बॉर्न 195 ईयर्स एगो, दैट इज इट इज हिज 195th बर्थडे। ही फाउंडेड सत्य साधक समाज एंड द सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स। ही ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848 इन पुणे। ज्योतिबा फुले वर्ल्ड फॉर द एडुकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अगला विषय के ओर बढ़ते हैं, इंडिया ने भारत ने मैं गले फाड़ फाड़ के बोलूंगा, भारत ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाएगा, इसलिए इसका नाम हेलिना है। पूरा डिटेल्स में बोलता हूँ आप लोगों को, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना फ्लाइट टेस्ट वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड एट हाई एल्टीट्यूड रेंजेस। द फ्लाइट टेस्ट वॉज जॉइंटली कंडक्टेड बाई DRDO एंड इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। द फ्लाइट टेस्ट इज कंडक्टेड बाई द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड मिसाइल वॉज लॉन्च्ड इन द लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना इज वन ऑफ द मोस्ट एंटी वेपन्स इन द वर्ल्ड। ये पूरा वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक एंटी वेपन है, एंटी टैंक वेपन है, वो मतलब टैंक को उड़ा देता है,
हेलीकॉप्टर से वाला मिसाइल छोड़ा जाता है, हेलिना नाम है इसका। बार बार याद कर लीजिए, भारत ने सक्सेसफुली लॉन्च टेस्ट कर लिया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को। तो हमारा अगला विषय के ओर बढ़ते हैं। 37th सियाचिन डे या सेलिब्रेटेड एट सियाचिन, वॉरियर्स ब्रिगेड ने सेलिब्रेट किया है ये वाला। इट इज ऑब्जर्व टू हॉनर द करेज शोन बाय द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन में हुआ था पाकिस्तान के आर्मी को मारने के लिए, वो लोगों ने कब्जा कर लिया था हमारा सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत वॉज लॉन्च बाई द इंडियन आर्मी ऑन 13th April 1984। अंडर दिस ऑपरेशन इंडियन आर्मी टुक कंट्रोल द एंटायर सियाचिन ग्लेशियर इंक्लूडिंग द मेन पासेस ऑफ द साल्थोरो रीड्स सियाला एंड बिलाफोंडला। द सियाचिन ग्लेशियर इज द हाइएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द अर्थ। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 76 किलोमीटर। इंडिया पाकिस्तान मेंटेन ए परमानेंट मिलिटरी प्रेजेंस एट द हाइट ऑफ ओवर 6000 मीटर। अगला विषय है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सिग्नेचर हुआ है SJVN REMC लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के बीच में। इसका मेन उद्देश्य है नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2030 इन इंडियन रेलवेज। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा सोलर का उपयोग किया जाएगा भारतीय रेलवे सिस्टम पे, रेलवे नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा सोलर को उपयोगी बनाया जाएगा। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड ए 2-day कॉन्फ्रेंस ऑन April 12 and 13, 2022 इन न्यू दिल्ली। सभा निधि से समृद्धि इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्कीम के अंडर जो मतलब स्ट्रीट का छोटा छोटा वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर्स, उन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। नेशनल बॉक्सिंग नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट खेलो इंडिया का जो जमशेदपुर में हुआ है, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झारखंड, जमशेदपुर विल होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को इसका फर्स्ट फेज हुआ है। भारतीय सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक डील साइन किया है 2 मिलियन का प्रोजेक्ट रेडिनेंस फिनेंसिंग लोन। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर्स विल बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2023। द गेम्स विल कवर आर्ट्स एंड कल्चर्स from 36 states and union territories. 25 Indian states have already come together with state Delphic councils to show their distinct cultures. So, Delphic game mein kya kya hota hai? Musical arts and sounds, visual arts and crafts, performing arts and acrobatics, social arts and communications, language arts and rhetoric, इकोलॉजिकल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल। अगला विषय के ओर बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसके रिलेटेड है। तो भारत में IP एक्ट का जो ऑफिस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड, जैसे कि होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो वाला प्रॉपर्टी जो हम लोग ऐसा प्रॉपर्टी है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं,
इनविजिबल बोल सकते हैं आप लोग, जैसे कि पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, और जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जैसे कि जीआई टैग भी होता है। इन सभी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो भारत में दिल्ली में स्थित है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, मुंबई में है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 11 इयर्स द नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग सरपास्ड द नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग्स। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं, कदम, जो कि एक नी का प्रोजेक्ट है, घुटना कहते हैं। तो देहात में एक वार्ड कहा जाता है, जो लोग मतलब लड़की लोगों का दिमाग घुटने पे रहता है वो वाला घुटना के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, घुटने पे नहीं होता है, सभी का दिमाग दिमाग पे ही रहता है। तो कुछ सोचों के कारण ऐसा ऐसा गांव में देहात में बोला जाता था, लड़की लोगों का दिमाग देहा मतलब घुटना में रहता है, ऐसा एक प्रभात था। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी का नहीं होता है, लड़का का भी होता है घुटनों पे, लड़की का भी होता है, लेकिन रेयर केस है, सभी का नहीं है। तो क्या है कदम प्रोजेक्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, आप लोग खुश हो जाइए, आपके लिए नया सा एक घुटना आ रहा है। कदम, इंडियाज फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी लॉन्च्ड। The researchers of IIT Madras have launched Kadam, first polycentric prosthetic knee of India. तो जिनका मतलब कोई प्रॉब्लम है घुटना पे, घुटना तोड़ गया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो मतलब ये वाला आर्टिफिशियल नी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है, एक्टर शिव कुमार सुब्रमण्यम पास्ट अवे 62 years old, veteran actor and writer Shiv Kumar Subramaniam passed away in Mumbai. He wrote critically acclaimed film like Parinda 1942, a love story, and Chameli. He acted in many films like Two States, Hitchki, Stanley Kadabha, Kamine, Meenakshi, Sundarashwar. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कमर्शियलाइजेशन ऑफ फ्लाइट और एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, इंडिजिनियसली बिल्ड डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, जिसका कैरिंग कैपेसिटी है 17 पैसेंजर। मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 17 सीटर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है, भारत का उड़ान स्कीम के अंडर उड़ेगा हर इंसान, हर नागरिक भारत का, इस प्रोजेक्ट के अंदर यह वाला इनिशिएटिव लिया गया है और नॉर्थ ईस्ट में शुरू भी हो चुका है, पहला उड़ान भर चुका है। हमारा असम का डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश का पासीघाट तक, तो बहुत बढ़िया स्कीम है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको किसी भी एग्जाम में आ सकता है, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। अगला विषय, भारत और यूएस ने एक बिलेटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट को सिग्नेचर कर लिया है, जो 2+2 डायलॉग हुआ था वाशिंगटन में, वहाँ पे ये वाला सिग्नेचर हुआ है। तो हमारा अगला विषय के ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ रिवैम्प्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st April 2022 to 31st March
2026 will extend to all states and union territories of the country. Total financial outlay of the scheme is ₹5,911 crore, central scheme 3,700 crore, and the state share is 2,211 crore. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। जय शाह जो हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वो आईसीसी का बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट कमेटी का मेंबर बन गए हैं। तो अगला विषय इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी 2021 कॉन्फर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी दिया जाता है उन लोगों को जो कि गांधी के फिलोसॉफी में चलते हैं, जो पायनियर है गांधी के फिलोसॉफी में। और ये वाला अवार्ड शुरू किया गया था 1986 में। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें हम लोग B.R. अंबेडकर भी बोलते हैं, भारत का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, हम जिस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक चाय वाला का लड़का आज PM बना है, चाय बेचने वाला लड़का PM बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन और जो पावर हमें मिला है किसी को के साथ कुछ भी करने का, अपना मतलब अपने आप को मतलब श्रेष्ठ समझना और कुछ भी करना, जो भी आप चाहे, जो भी आपका राइट है, जो भी है, वो सब आप लोगों को या हम लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड किया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का फादर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर कहते हैं हम इन्हें। इनका बर्थ एनिवर्सरी है 14 अप्रैल को, तो इसे इस डे को हम भीम जयंती भी बोलते हैं। B.R. अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 साल में। ही वॉज एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। B.R. अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ही इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही हैड स्टार्टेड दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। He was conferred the Bharat Ratna Award in 1990. तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। भारत और जापान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन सिग्नेचर हुआ है इन द एरिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो जापान कहाँ पे स्थित है? जापान एक आइलैंड कंट्री है, बहुत सारा आइलैंड है छोटा छोटा, होक्काइडो, होंगसु, काइसु ऐसे बोल के। तो जापान का कैपिटल है टोक्यो, जो कि होंगसु आइलैंड पे स्थित है। होंगसु आइलैंड जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए बीच का जो पहला सबसे ऊपर होक्काइडो, उसके बाद होंगसु, जहाँ पे टोक्यो लिखा हुआ है। जापान का करेंसी है जापानीज येन। जापान का प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदिया। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI इज बिकम द थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। पहला स्थान अटलांटा एयरपोर्ट जो कि USA में स्थित है, दूसरा स्थान है बिजिएस्ट एयरपोर्ट में दुबई एयरपोर्ट, और तीसरा हमारा भारत का IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा स्थान देखिए आप लोग ग्वांगजो चाइना, पहले मतलब ग्वांगजो का पोजीशन अच्छा था, भारत का पोजीशन 6 पे था, छठा स्थान पे दिल्ली का, इतना छलांग लगाया इंडिया ने और थर्ड पोजीशन पे आ गया है दिल्ली। पूरा सा चार्ट है आप लोग देख लीजिए एक बार, भारत का और किसी भी 10 लिस्ट में, लिस्ट ऑफ 10 में नहीं है, सिर्फ दिल्ली के अलावा, सिर्फ दिल्ली एकमात्र बिजिएस्ट है इंटरनेशनल लिस्ट 10 लिस्ट में। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
policy for use of land acquired under the Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act 1957. Unlock the non-mineral land for development and setting up of infrastructure relating to coal and energy, generation of a large number of direct and indirect employment, prevent fresh acquisition of land and related displacement, will encourage investment in backward areas in the country. Agla vishay ki or badhte hai. Author Prem Rawat has launched his book Hear Yourself. Self knowledge is all about you knowing your present position. Prem Rawat ka ye kitab hai Hear Yourself. It is already available in 58 countries and in 5 languages. Now the book has been launched for the Indian subcontinent. Indian subcontinent matlab Bharat, Bangladesh, sab pura Nepal, upal, pura Pakistan, Pakistan leke jo Indian subcontinent hai. This book will help people find peace in noisy world. The book is also help people develop better self-understanding. Agla vishay hai, World Bank lowers India's GDP growth forecast to 8% in financial year 2023. Toh jo prediction tha 8.7% ka, woh wala abhi ghata hai World Bank ke dwara. Business Standards Economic ka report hai. तो बहुत सारा रिपोर्ट आता है ऐसे. गवर्नमेंट वेव्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट टिल सितंबर 30. द फिनांस मिनिस्टर ऑन वेडनेसडे अनाउंस दैट द इंपोर्ट ऑफ कॉटन विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी. 30 सितंबर तक ये वाला एग्जेम्प्शन रहेगा. This notification has come into effect on 14th April 2022. The government was imposing 5% basic custom duty and 5% agri infra development cess. So, इन चीजों को नहीं लिया जाएगा. अगला विषय, Indian Grandmaster R. Pragyanatha wins Reykjavik Open Chess Tournament in Iceland. रेजबिक में जो टूर्नामेंट हुआ है, रेजबिक कहाँ पे है आप लोग? आइसलैंड में स्थित है. तो रेजबिक में जो चेस कंपटीशन हुआ है, ओपन चेस टूर्नामेंट, वहाँ पे भारत का ग्रैंड मास्टर ने टूर्नामेंट जीत लिया है. भारत का बच्चा अपना नाम रोशन कर रहा है, इसीलिए तो हम भारतीय है. ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. यूनाइटेड नेशन ने मुंबई को टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया है. आफ्टर हैदराबाद, मुंबई हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जॉइंटली विद आर्बर डे फाउंडेशन. मुंबई रिसीव्ड रिकॉग्निशन फॉर इट्स कमिटमेंट फॉर ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज एंड ग्रीनरी. मुंबई इज द सेकेंड सिटी इन इंडिया टू गेट दिस रिकॉग्निशन. पहला सिटी था हैदराबाद. द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क एंड असिस्टेंस फॉर हेल्दी एंड सस्टेनेबल अर्बन फॉरेस्ट्री. अगला विषय के ओर बढ़ते हैं. ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स मेलबोर्न. तो 2026 जो होगा वो विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया का. अभी 2018 में फिलहाल जो हुआ था गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद अभी नेक्स्ट वाला जो बर्मिंगहम में होगा इंग्लैंड का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इस साल, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाला फिर से ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट में होगा. जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड पोर्टल टू कनेक्ट यूथ विद द इंडस्ट्री, जिससे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा. इस स्कीम का नाम है अवसर पोर्टल का लॉन्च किया गया है.
to create more than 10,000 job opportunity for aspirants in 2022. It will connect various corporate, national and multinational companies with the youth of Jammu and Kashmir. Jammu Kashmir ke liye ye wala scheme hai. As part of this initiative, Mission Youth has signed an agreement with Vision India for providing jobs to the youth of Jammu Kashmir. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जम्मू कश्मीर के लिए. आप लोगों ने शायद सुन रखा है MR ग्रुप जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, दुबई का, तो वो भी अपना सबसे बड़ा मॉल इंडिया का श्रीनगर में बनाने जा रहा है. तो इससे बहुत मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा कश्मीर का. पहले एक्चुअली कश्मीर में 370 का सेक्शन 1 जो था, आर्टिकल 371, तो उसके द्वारा मतलब कोई दूसरा व्यक्ति कश्मीर में लैंड खरीद नहीं सकता था, तो इसलिए मतलब कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होता था. तो अभी 370 का 1 हटा दिया गया है, इसलिए कोई भी जाके लैंड खरीद सकता है. तो इससे मतलब कश्मीर का भी लोगों का, आवाम का डेवलपमेंट होगा. अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. वर्ल्ड आर्ट डे, it is celebrated on the birth anniversary of Leonardo da Vinci, a painter, a sculptor, an architect of Italy. UNESCO के द्वारा ये वाला celebration किया जाता है. Himachal Pradesh Day, April 15 has been observed as Himachal Day. Himachal Pradesh came into existence in centrally administered province on 15th April 1948, but iska matlab jo district pehle bar matlab 1971 mein district as a recognized hua tha, separate district Bharat ka 18th state, usse pehle matlab 15th April ko uska matlab province as a declare hua tha. It was formed by merging 4 districts, Mandi, Chamba, Mahasu and Sirmour, and with 30 princely states, Himachal Pradesh was categorized as C state under the Indian Constitution in 1951. On 18 December 1970, the Himachal Pradesh Act was passed by the Parliament. Himachal Pradesh becomes the 18th state of the Union of India in 1971. तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं. हिमाचल प्रदेश का नाम कैसे आया है? एक्चुअली संस्कृत वर्ड से आया है. हिमा मतलब स्नो, बर्फ, और आचल मतलब लेप, बर्फ का आचल मतलब बर्फ का लेप, तुषार का लेप, हिमाचल. हिमाचल वाज डिक्लेयर्ड इंडिया सेकंड ओपन डेफिकेशन free state in 2016. The Kalka Shimla Railway, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शिमास, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जो टॉय ट्रेन आप लोग सुनते हैं, देखते हैं टॉय ट्रेन, कलका शिमला. कलका एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो पंजाब में स्थित है. तो कलका से शिमला तक जो टॉय ट्रेन है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर एनलिस्टेड है. जयराम ठाकुर इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश. अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन रोज टू ए 70 मंथ हाई एट 6.95% इन मार्च 2022, जो कि बहुत खराब स्थिति है एज पर द RBI. RBI कंट्रोल नहीं कर पाया है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बहुत बढ़ गया है. 6.07% था फरवरी में, अभी 6.95% हो गया है. एक्चुअली कुछ कोरोना का भी इफेक्ट है और रशिया यूक्रेन वॉर का भी थोड़ा सा इफेक्ट है. तो अगला विषय की ओर बढ़ते हैं. रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद अब रोहित शर्मा के भी नाम आगे है 10,000 रन करने वाले दूसरा भारतीय इन IPL क्रिकेट. अगला विषय, हरियाणा गवर्नमेंट विल सेट अप ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ड्रोन पायलट्स
Haryana will establish a drone pilot training center to aid the capacity development. UAV का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट में, तो पायलट लोगों को, ड्रोन का पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ड्रोन का पायलट मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिए जो अंदर घुस के चलाएगा, ये अनमेंट एरियल व्हीकल है, वो नेटवर्क से चलेगा, वो बैठ बैठ के रिमोट से चलाएगा, ऐसा सोचिए। तो मेरे प्यारे लल्ले लल्लियो, अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है, इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023। ये वाला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, यूके बेस्ड चैरिटी एंड द सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा जॉइंट इनिशिएटिव है। सेव द चिल्ड्रन ऑल्सो नोन एज बाल रक्षा भारत, इट इज ए एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रन अलायंस। Street Child Cricket World Cup, it was held in London in 2019. A total of 8 teams participated in 2019. In 2019, Team India South won the cup by defeating host England. Agla vishay hai, Iqbal Singh Lalpura has been reappointed as the chairperson of National Commission for Minorities. Iqbal Singh Lalpula is an ex-IPS officer of Punjab Cricket. वो पहले दिल्ली डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस में भी सर्व कर चुके थे। तो क्या है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड इट अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। It is a statutory body. It consists of a chairperson and a vice chairperson and 5 members. National Commission for Minorities was first set up in May 1993 by the Act of 1992. हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। Indian Institute of Science study found microplastics in Kaveri River. जैसे कि हमारा पिछला वीडियो पिछला कक्षा में आज डिस्कस किया था, जो ह्यूमन ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक को पाया गया है। आज कल मतलब कोरोना वायरस के बाद यह शायद मतलब दूसरा मतलब ऐसा बीमारी होगा, पता नहीं क्या चल रहा है। सभी में अभी ह्यूमन ब्लड में भी प्लास्टिक पाया जा रहा है और पानी में भी प्लास्टिक पाया जा रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो प्लास्टिक का वेस्ट जो है हम लोग फेंकते हैं, तो उससे मतलब छोटा छोटा माइक्रोप्लास्टिक आ जा रहा है पानी में या पूरा धरती में सभी जगह, और मछली में जो सुख हमारा फूड आइटम्स में भी आ रहा है और हम लोग खा रहे हैं, हमारा ब्लड में भी अब्जॉर्ब हो रहा है वो माइक्रोप्लास्टिक्स कावेरी रिवर में पाया गया है। बहुत ही चिंता का विषय है, कुछ चिंता कीजिएगा देश के बारे में। और एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे लल्लियो, कभी भी मतलब ऐसा मत सोचिए खुद के बारे में। अगर जीवन में उठना है, उठना कुछ नहीं है, अल्टीमेट सब कुछ जीरो ही है। कुछ करना है भारत के लिए या खुद के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, कुछ भी बोलिए, इतना भी सेल्फिश मत हुई है जो मतलब अपने मम्मी पापा या अपना मतलब पड़ोसी उन लोगों को भूल के मतलब ऐसा भी रेस ना कि खेलिए जहाँ पे मतलब आपका अपने भी पिछड़ जाए, आपसे पीछे रह जाए और आप इतना भी आगे चले जाए, ऐसा मत कीजिए। सभी के साथ, सभी को साथ लेके ही जाइए और इतना भी पीछे मत पड़िएगा जो आपका खुद का जो है अपने वो आपसे फास्ट चले जाए। तो ख्याल रखिए मेरे इस बात का और ऑलवेज बी इंडियन, क्योंकि भारतीय दिल से सोचते हैं, दिल होता है भारतीय के अंदर। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1990-2000 सीरीज का बच्चे लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, तो अकल होगा जब उन बच्चों का समझ जाएंगे। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। नेदरलैंड्स विन 2022 FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप।
एक्चुअली क्या है, ध्यानचंद का सीजन के बाद इंडिया का मतलब अभी प्रो लीग जो चल रहा है हॉकी का, इतना अच्छा प्रदर्शन, फिर से जर्मनी को बीट किया। जर्मनी सेकंड पोजीशन पे है, भारत पहला पोजीशन में। भारत का जो पॉइंट्स है वो 27 है और जर्मनी सेकंड पोजीशन 16। प्रो लीग चल रहा है मैंस हॉकी का तो। और इधर मतलब थोड़े से नेदरलैंड ने जीत लिया है फाइनल जर्मनी को हरा के, जर्मनी फाइनल में पहुंच गए थे वुमेन्स हॉकी में। इंडिया भी मतलब सेमीफाइनल में जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच होता है उसमें मतलब इंग्लैंड के साथ हारा और मेडल मिस कर लिया भारत का वुमेन खिलाड़ियों ने। तो अल्टीमेट नेदरलैंड जीत गया और जो जर्मनी को मिल गया यहाँ पे। लेकिन ध्यानचंद के बाद आप कह सकते हैं हॉकी में अभी मतलब बहुत सुनहरा चल रहा है, मेंस का कहिए और वुमेन्स कहिए। हमारा हम इंडियन लोग मतलब जब कुछ हो जाता है, जब कोई कैपेबल हो जाता है उसका कैपेसिटी देखते हैं, ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसा ही चलता है। मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियो, आप कामयाब बने जल्दी से जल्दी। आप कामयाब बनने के बाद ही दुनिया आपको देखेगी, उससे पहले नहीं देखेगी आपको। उस कामयाबी के पीछे आपने कितना मेहनत दिया, अपना मेहनत मत रुकिए, कामयाब बनिए। कामयाब के पीछे का मेहनत कोई नहीं देखता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। जो हमारा इंडिया का हॉकी टीम है वो भी मतलब भारत ने जब इतना अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट ओलंपिक में, तब पूरा भारत का ध्यान गया था हॉकी के ऊपर। उससे पहले तो हॉकी को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, पहले एक टाइम में सहारा स्पॉन्सर कर रहा था हॉकी का भी क्रिकेट का भी, उसके बाद स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, उन्होंने नेशनल हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया भारत का, अभी भी कर रहे हैं और इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। उड़ीसा के बारे में क्या बताऊँ, एक घंटा डेढ़ घंटा का वीडियो बन जाएगा। उड़ीसा इतना ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग स्टेट बन रहा है, इतना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट चला रहा है। एक्चुअली क्या है, नवीन पटनायक जी के बारे में जितना मैंने सुना है, जितना स्टडी किया है, वो आपने कॉरप्ट जो होते हैं अपना MLA, उन लोगों को मतलब बर्खास्त कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया। इसलिए तो BJP वहाँ पे भी मतलब लास्ट इलेक्शन में आप लोगों ने देख लिया, फिर से जीत के आ गए, BJP ने कुछ नहीं कर पाया। तो छोड़िए, ध्यानचंद के बाद हुई, इसलिए ध्यानचंद का मेमोरी को रिवाइव करने के लिए और भारतीयता का जगाने के लिए हमने पहले ध्यानचंद के बारे में बोला था। इसको कनेक्ट करने के लिए इंडिया का वुमेन टीम चाहे ब्रॉन्ज मिस हो जाए, ओलंपिक की तरह मिस हो गया इस वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल में, फिर भी भारत का प्रदर्शन इतना अच्छा, मतलब इतना सुनहरा प्रदर्शन चल रहा है। और आप लोग हॉकी देखिए, हॉकी मिस हो रहा है पूरा इंडिया में, जितना भी हॉकी हुई उड़ीसा ही चल रहा है और कुछ हरियाणा में होता है, हरियाणा का प्लेयर, और बाकी हमारा नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर से आते हैं कुछ बंदे जो पूरा नेशनल टीम पे खेलते हैं। और बाकी तो हॉकी तो नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट में अपना हर स्कूल में मतलब हॉकी का क्लब शुरू कर दिया है, ऐसा प्रोजेक्ट लिया है, इनिशिएटिव लिया है हॉकी का। जो पहले हॉकी तो जैसे नॉर्मल ग्राउंड पे होता था, अब तो जो आर्टिफिशियल ग्राउंड में होता है, ऐसा ग्राउंड इंडिया में पहले नहीं था। तो अभी आप जाइए एक बार उड़ीसा देखिए, चारों तरफ ऐसा फील्ड है, इतना सारा क्लब है हॉकी का, हॉकी के लिए, हॉकी नहीं सिर्फ सभी स्पोर्ट्स के लिए। आप लोग देखिएगा नेक्स्ट ओलंपिक में बहुत सारा मेडल रिप्रेजेंट करेंगे हमारा उड़ीसा के प्लेयर्स, भारत का आन मान शान तिरंगा लहराएगा ओलंपिक का पोडियम में, अगला ओलंपिक जो पेरिस में होने वाला है 2024। समर ओलंपिक के बारे में बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। फाल्गुनी नायर, यह वाला टॉपिक तो लड़की लोग देखना चाहिए, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी कहाँ फंसे हुए हैं, लड़कों के पीछे, बाइक के पीछे, गाड़ी के पीछे, सभी को नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बच्चा, मेरा प्यारे लल्ले और लल्ली, कोई लल्ली मेरा ऐसा है बात सुन रहे, तो आप देखिए एक बार फाल्गुनी नायर को और अपना दिल से पूछिए कहाँ फाल्गुनी नायर है, कहाँ आप है, क्या कर रहे हैं आप भारत के लिए,
क्या बदान दे रहे हैं आपका माता पिता का उन परिश्रमों का, और उन्होंने जो अपने पिताजी और अपने माताजी जो आपके लिए कर रहे हो और करते रहेंगे पूरा उम्र भर, उनको क्या दिया आपने, क्या रिटर्न दे रहे हैं? उनसे तो कोई छूट नहीं बोल रहे या हर वक्त ही आप उनसे छूट बोल रहे? मेरे बात ध्यान से सुनिए, मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाल्गुनी नायर का बात करने के लिए बोल रहा हूँ। ये देखिए, ऐसा होता है वोमेन एम्पावरमेंट, वोमेन अपलिफ्टमेंट। इतना फास्टेस्ट बिलियनरी बन गया है जो कि नायका आप लोगों के लिए बना रहे प्रोडक्ट जो आप लोग लगा रहे हैं और लड़के लोग मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, कोई मतलब खराब नहीं, मतलब ऐसा दिल में मत लगाइएगा, जो मतलब खराब रास्ता में है वो लोग अच्छे रास्ते में आ जाइए। अभी अच्छे बनने में मतलब पैसा नहीं लगता है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है अच्छा बनना। अगर किसी का दिल में कोई भी डाउट है, कोई इनोसेंट नहीं है, ट्रूथफुल नहीं है, तो रिक्वेस्ट है मेरा मास्टर होने के नाते, आप लोग करेक्ट रास्ता पे चले आइए। भारत को हर बच्चा का ज़रूरत है, भारत को। भारत ऐसा देश है जिसमें हर लड़का हर लड़की चीटर मत बने, ठग मत बने, पवित्र रहे, और इस देश का आन मान शान में उसका एक पाई पाई जुड़े। तो फाल्गुनी नायर जो आप लोगों के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट बनाता है, आप मतलब लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट, इन्होंने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, और बाकी कुछ अवार्ड स्टार्टअप में आप लोगों को मैं बोलता हूँ। कुछ कंपनी है जैसे स्टार्टअप में है विधि आत्रे, संजीव बर्णवाल जो कोफाउंडर है मेशो फैशनियर टेक्नोलॉजी, मेशो का आप लोगों ने नाम सुना है, बहुत सस्ते में कपड़ा वपड़ा सब गारमेंट्स दे देता है। एक्चुअली ये वाला भी मतलब लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट का भी एग्जांपल बोल सकते हैं आप लोग। मेशो को मतलब चलाने वाला पूरा लड़की लोग ही, भारत का लड़की लोगों ने ही मेशो को इतना मतलब चलाया है। देखा भारत का लड़की क्या कर सकती है, किसी को हीरो किसी को जीरो बना सकती है। ये मतलब एकता का पावर है। और दूसरा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में अभय सोई CMD है मैक्स हेल्थ केयर का। फिनेंशियल सर्विस में हर्षिल मथुर सशरक कुमार कोफाउंडर है रजर पे का। रजर पे भी एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, गेटवे है, पेमेंट गेटवे। आप लोगों ने शायद नहीं सुना है इसका नाम रजर पे, मतलब जैसे गूगल पे होता है, गूगल पे जैसा ही होता है, उसके अंदर है मतलब सब कुछ, डेबिट कार्ड वेबिट कार्ड सब, पेमेंट गेटवे है। मतलब जैसा कि आप ऑनलाइन कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो अभी कुछ गेटवे आता है, जैसे कि HDFC बैंक का गेटवे है, तो उसमें सिर्फ HDFC बैंक का कार्ड से नहीं, सभी से होगा, UPI से भी होगा, क्रेडिट कार्ड से भी होगा, डेबिट कार्ड से भी होगा, ऐसा ही रेजर पे एक मतलब पेमेंट गेटवे है। ठीक है, अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। फाल्गुनी नायर जैसा बनिए और अपना चरित्र व्यवहार, सभी को बोल रहा हूँ, लड़का हो या लड़की, मेरे प्यारे लल्लो लल्लियो, मुझे पता है आप लोगों का अच्छा है, फिर भी अगर आप लोगों को डाउट लगे किसी जगह पे, आप कोई गलत कर रहे हो, जल्दी से सुधार लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारा ज्ञान दे दिया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे लल्ले लल्ली। इंडोनेशिया रिमूव्स द बैन ऑन एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इसका कारण मैंने पहले ही बता दिया था, जो रशिया यूक्रेन वार है इसलिए वाला बैन हटा है। पहले इंडोनेशिया अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहाँ से मंगाता था, रशिया से। अब तो युद्ध का माहौल चल रहा है, 50 दिन क्रॉस कर चुका है, अब कहाँ से मंगाएगा। इसलिए ये देखिए इंडोनेशिया कहाँ पे है, इंडोनेशिया एशियन कंट्री में पड़ता है, और पापुआ न्यू गिनी के साथ बॉर्डर है। इंडोनेशिया बहुत मतलब सबसे बड़ा आर्किपियागो है, लगभग कितना 6,000 था, एक्चुअली मैं फॉरगॉट, मैं भूल गया कितना सारा
मतलब हजार के ऊपर होगा, बहुत हजार होगा, इतना मतलब छोटा छोटा आइलैंड है, आइलैंड मिलके बनाए। कुछ बड़ा आइलैंड का नाम याद है, जैसे ये वाला पहला वाला जो आइलैंड है, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो है आइलैंड, ये वाला ये है आपका सुमात्रा, जो इंडिया का एक राजा ने मतलब जीत लिया था सुमात्रा। ये वाला बीच में जो है सबसे पॉपुलेटेड है, इसमें मतलब उनका कैपिटल जो है जकार्ता। यहाँ पे एक तिमर जो है, ईस्ट तिमर, ये अलग सा कंट्री है यहाँ पे। तो इंडोनेशिया का ये वाला जो आइलैंड है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो। इस आइलैंड का एक विशेषत्व है, इसमें सिर्फ इंडोनेशिया नहीं है, इसमें तीन देश है। इसमें मतलब इंडोनेशिया का भी पार्ट है, मलेशिया का भी पार्ट है, और ऊपर में ब्रुनेई का भी पार्ट है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियो। इजिप्ट ने भी ये क्रेडिट कर दिया है व्हीट सप्लायर भारत को। वही सेम इम्पैक्ट यूक्रेन रशिया वॉर का, जो पहले व्हीट इंपोर्ट करता था इजिप्ट, जो मिस्र है, जहाँ से मतलब स्वेज खाल पास हुआ है, उसको तो स्वेज खाल का भी टैक्स मिलता है मेडिटेरियन सी में जाने का रास्ता, इधर स्वेज खाल उधर जिब्राल्टर। तो स्वेज खाल का टैक्स मिल जाए उन लोगों को, स्वेज कैनल बोलते हैं इसको। तो रशिया यूक्रेन का वार का इम्पैक्ट के द्वारा कारण ही भारत को एक्रेडिट कर दिया है इजिप्ट ने एज ए व्हीट सप्लायर। अगला विषय देखते हैं क्या क्या है। मोरियांग कांगला, द इंडियन ट्राइकलर फ्लैग वॉज होस्टेड हियर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्कैट सोयल ऑफ इंडिया बाय इंडियन नेशनल आर्मी ऑन 14th April 1944। INA जो इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज बोल सकते हैं इसको आप। तो पहली बार मोरियांग में फ्लैग लगाया गया था ट्राइकलर फ्लैग। तो यहाँ पे अभी 165 का फ्लैग लहराया जाएगा। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर बीएन बीरेन सिंह ने बोला है। तो एक्चुअली 165 का जो है सबसे ऊंचा नहीं है, उससे पहले 14 फीट का भी एक बुद्ध पार्क में लगाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ऊंचा जो है हाईएस्ट नेशनल फ्लैग 361 फीट हाईएस्ट इन इंडिया, वो स्थित है करंटली बेलागावी और बेलागाम फोर्ट में है कोट्टिकरे कर्नाटका पे। अगला विषय 14th April टू बी मार्क्ड एज इक्वलिटी डे। 14th April क्या है आप लोगों को पता है, बी आर अम्बेडकर का बर्थ एनिवर्सरी। इस दिन को इक्वलिटी डे मनाया जाता है तमिलनाडु पे। स्टेपिंग ऑन गैस, गवर्नमेंट कलेक्ट 96,000 crore थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 2022। द गवर्नमेंट हैज सरपास्ड इट्स टारगेट ऑफ ₹88,000 crore बाई कलेक्टिंग 96,000 crore थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन। द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए टारगेट ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ ₹1.62 trillion इन फिनेंशियल ईयर 2023। द लिस्ट ऑफ द एसेट्स टू बी मोनिटाइज इन दिस ईयर बींग प्रिपेयर्ड बाई द नीति आयोग एलॉन्ग विद द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। क्या क्या है, कोल, रोड्स, मिनरल्स, पावर, रेलवेज। तो ये वाला जो ड्राफ्ट लिया गया है, ग्राफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट से ही लिया गया है, ऑथेंटिक डाटा है, पूरा फिगर एग्जैक्ट फिगर ही है। तो इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे ही हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स का सेशन नंबर 15 का समाप्त घोषणा करते हैं। और कुछ विशेष टिप्स सुन लीजिए जाने से पहले। आप लोगों को बहुत कुछ बोला है भारत के बारे में, जिंदगी के बारे में,
तो आप लोग हो सके तो एक बार विचार करना और अपना विचार करके ही अपना डिसीजन करना। तो ये बात बोल के आज का कक्षा यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।